एक बार कोविड-19 का संक्रमण फिर तेजी से अपने देश में बढ़ रहा है। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में तो 35,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस प्रतिदिन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यह संख्या 2,000 की पार निकल गई है और हमारे कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां संक्रमण की यह संख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। असाधारण तेज गति से यह संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार इस संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। घबराने की जरूरत नहीं है, इससे निपटने की हम हर संभव व्यवस्था करेंगे। एक तरफ निःशुल्क टेस्टिंग की व्यवस्था, दूसरी तरफ अस्पताल में बिस्तरों की संख्या, सामान्य बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, दवाइयां, इलाज की पूरी पुख्ता व्यवस्थाएं हम सब करेंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गरीबों को दिक्कत ना हो, इसलिए सरकारी अस्पतालों के साथ साथ हमने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले निजी अस्पतालों में भी गरीबों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की है। अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी गरीबों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी। और जो भाई बहन निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं उनके लिए भी फीस की सीमाएं हमने तय की है। स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश है कि उससे ज्यादा इलाज का शुल्क वसूला ना जा सके। बहनों और भाइयों, वैक्सीनेशन इस संकट से निपटने का प्रभावी उपाय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टीकाकरण का काम भी पूरी गति से कर रहे हैं। अब तक 31 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 60 साल से ऊपर के सारे बुजुर्ग भाई बहनों को और 45 साल की उम्र से ज्यादा ऐसे भाई बहन जो कई बीमारियों से ग्रसित थे उनको टीका लगाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ज्यादा सभी भाई बहनों को जो किन्हीं बीमारियों से ग्रसित भी नहीं है उनको भी टीका लगाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है कि आप इस संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए टीके जरूर लगवाएं और लगवाने के लिए बाकी लोगों को भी प्रेरित करें। संक्रमण रोकने के लिए आपका सहयोग भी मैं चाहता हूं। सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। परिश्रम की पराकाष्ठा हम करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा हम करेंगे, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। इस संक्रमण को अगर बढ़ने से रोकना है तो 3 ही प्रभावी उपाय हैं। 1, मास्क लगाना। मास्क लगाने से वायरस मुंह और नाक के जरिए हमारे शरीर में नहीं जाएगा, हम संक्रमण से बच जाएंगे। दूसरे, सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में सुरक्षित दूरी रखना। सुरक्षित दूरी से हम वायरस ले जाने वाले कैरियर नहीं बन पाएंगे। और तीसरे, बार बार अपने हाथ साफ करना सैनिटाइजर या साबुन से। इस वायरस को हम वहीं मार देंगे और संक्रमण फैल नहीं पाएगा। आपका सहयोग चाहिए। हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार है, त्यौहार मनाए इससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या संक्रमण रोकने के लिए हम ये त्यौहार अपने परिवार के साथ घर पर नहीं मना सकते? संक्रमण अगर रोकना है तो भीड़ भाड़ से बचना होगा, रस्म निभाएं त्योहारों की, परंपराएं पूरी करें, पर बिना भीड़ भाड़ के। अगर परंपरा का निर्वाह जरूरी है तो स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेके बिना भीड़ के प्रतीकात्मक रूप से परंपरा का निर्वाह कर लें।
इससे परंपरा का निर्वाह भी हो जाएगा और संक्रमण से भी हम बच जाएंगे। याद रखिए, अगर लापरवाही की तो संक्रमण बढ़ेगा और प्रदेश संकट में फंसेगा, इसलिए हम सबको मिलकर यह उपाय करना है, अपने लिए, अपनों की जान बचाने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए। आप सब COVID-19 के हर गाइडलाइन का पालन करें। आपके जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने इससे निपटने के लिए जो गाइडलाइन बनाई, जो निर्देश दिए, उनका पूरी तरह से आप पालन करें। मुझे विश्वास है कि संक्रमण से निपटने के लिए, इस बीमारी से निपटने के लिए